दोस्तों मध्य प्रदेश लोक सेवा आयोग के द्वारा एमपीपीएससी के द्वारा एमपीपीएससी 2021 की जो एग्जाम हुई थी प्री, उस प्री का रिजल्ट अभी तो फिलहाल नहीं दिया है, बहुत जल्द आएगा, लेकिन स्कोर कार्ड जारी कर दिया गया है। और आज ही 8 अगस्त का पहले उन्होंने बोला भी था कि 8 अगस्त को जारी कर देंगे, ठीक है, तो 8 अगस्त को ये जारी कर दिया गया है और एमपीपीएससी ने अपनी साइट पर इसे अपलोड भी कर दिया है, ठीक है। अब यहाँ पर आपको देखना है अपने मार्क्स कितने आए हैं, कितने नहीं है, ठीक है, क्वालिफाई कर रहे हैं या फिर कोई दिक्कत है, तो इस तरीके से पूरी अपना और जो स्कोर कार्ड है वो देख सकते हैं। तो हर एक स्टूडेंट को अपना स्कोर कार्ड देखना जरूरी है, देख लें एक बार, ठीक है, हो सकता है 1-2 नंबर 2-3 नंबर ऊपर कम ज्यादा हो सकता है, ठीक है। तो इस तरीके से यहाँ पे स्कोर कार्ड देखना है और ये इसके साथ में जो स्टूडेंट ओएमआर शीट डाउनलोड करना चाहे तो वो भी देख सकते हैं, ठीक है। तो इस तरीके से यहाँ पर एमपीपीएससी ने ये आज अपलोड कर दिया गया है और अब इसके बाद में फिर इसे देखें कैसे। अब ये है इसको देखना कैसे है, कहाँ पे जाएं, कौन सी साइट पे जाएं, तो सिंपली यहाँ पर लिखना है एमपीपीएससी स्कोर कार्ड, एमपीपीएससी स्कोर कार्ड, स्कोर कार्ड, ठीक है। सिंपल ये लिखोगे तो आपके सामने बहुत सारी लिंक खुल के आ जाएगी, एक पूरा पेज खुलेगा, उसमें बहुत सारी लिंक होगी, ठीक है, ब्लू कलर में, तो उसमें से किसी भी लिंक के ऊपर आप क्लिक कर दें, ठीक है, किसी भी लिंक के ऊपर, 3-4 लिंक ऊपर से, मतलब नीचे से दी होगी, बहुत सारी दी है, लेकिन ऊपर से 3-4 लिंक में से किसी भी लिंक के ऊपर क्लिक करें और वहां से आपके सामने एक पेज खुल के आएगा और वो पेज में रहेगा आपका रोल नंबर, ठीक है, क्या रहेगा, रोल नंबर, रोल नंबर आपको डालना है और उसके बाद में आपको डालना है डेट ऑफ बर्थ, डी ओ बी मतलब डेट ऑफ बर्थ, ये आपको डालना है। उसके बाद में उसी के नीचे कैप्चा कोड रहेगा, उसको एंटर करना है और आपका स्कोर कार्ड आपके सामने होगा, ठीक है। तो दोस्तों इस तरीके से स्कोर कार्ड देख लेना है और इसके बाद में जिनको ऐसा लगता है कि हाँ अपने मार्क्स अच्छे खासे आ रहे हैं तो आगे अपनी तैयारी और अच्छे तरीके से करें और स्टार्ट करें। और फिर यहाँ पे जिनका थोड़ा सा दिक्कत है, जिनको थोड़ा ऐसा लगता है कि नहीं अपना क्वालिफाई अभी नहीं होगा या फिर नंबर कम है, तो वो भी अपने जो तैयारी है उसको स्ट्रॉन्ग करें कि पहले कहीं न कहीं कुछ दिक्कत रही होगी इसलिए मार्क्स कम आए हैं, तो क्या दिक्कत है उसको थोड़ा सा देखें, ध्यान दें और उसको सुधारने की कोशिश करें। तो दोस्तों ये थी इन्फॉर्मेशन और यही छोटी सी इन्फॉर्मेशन थी और फिर मिलते हैं नेक्स्ट क्लास में, तब तक के लिए बेस्ट ऑफ लक।